उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। रिश्वत लेते हुए बाबू व चपरासी सहित तीन कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड बॉय के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बाबू अशोक ने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। ट्रांसफर सूची में नाम डालने के लिए बाबू अशोक व चपरासी ललित आए दिन ऐसे धन उगाही के कार्य करता रहता है। जिला अस्पताल में आए दिन होता है ये रिश्वतखोरी का खेल, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। गोंडा में सेमो कार्यालय में एक मामला घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। मैं रामनारायण जायसवाल, एबीएन समाचार। आज जब कार्यालय में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर बाबू ट्रांसफर के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया घूस काजी देवर के एक वार्ड बॉय के ट्रांसफर को लेकर कल लेने की बात आई है, जिसमें अशोक कुमार, ललित चबरासी और एक बाबू, जो तीनों के वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो अपने सीट पर पैसा गिनते हुए नज़र आए हैं, जिसको लेकर आज डीएम से इस संबंध में बात की। डीएम ने कहा इसको जांच करके कार्रवाई कराई जाएगी। इसके पूर्व में यहाँ कई बार घोटाले की बात आई है, कई बार यहाँ पैसे लेन देन की बात उजागर हुआ है, मगर ठंडे बस्ते में जाँच के नाम पर डाल दिया जाता है। देखना है कि इस बाबू के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि सेमो के नाक के नीचे ये वीडियो जो वायरल हुआ है घूस लेने का, कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता पाई जाने की बात सामने आ रही है। सर, यहाँ सेमो कार्यालय में कल वीडियो वायरल हुआ है कि ट्रांसफर में कि सर उसमें घूस लिए जा रहे हैं, क्या देखिए इसके बारे में जो वीडियो संज्ञान में आया है उसकी जांच कराई। ठीक है, थैंक यू।